Assalamu alaikum students, my name is Aisha Stinka and today we will discuss the functional group. Functional group kya hote hain? An atom or group of atoms or a double bond or triple bond which imparts specific properties to organic compounds. Yani ke atoms ya atom ka koi group ya double or triple bond jo kisi organic compound ko specific properties de unko hum functional group kehte hain. हम ये कंपाउंड्स ले लेते हैं, सेम तरह के कंपाउंड्स हम लेते हैं. सपोज कि ये ब्यूटेन है, तो इट्स मीन इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन सी से सेटिस्फाइड है. कार्बन क्योंकि मैक्सिमम फोर बॉन्ड्स बनाती है, और ये एच टू सी लगा के मैं इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा रही हूँ. सही, ये मैंने ले लिया ब्यूटेन. ब्यूटेन इसका फोर कार्बन एल्केन, क्योंकि कार्बन होती है टेट्रावेलेंट, फोर बॉन्ड्स बनाती है, और ये फोर बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ भी बन सकते हैं या इसके साथ कार्बन या कोई और ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन. सपोज हम ये हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन लगा दें, और ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करके हम यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं. ठीक है, अब इसके साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे ओएच. बाकी ये सारा स्ट्रक्चर इसका सेम है. जस्ट एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने से इन तीनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, केमिकली भी और फिजिकली भी. तो ये स्पेसिफिक ग्रुप्स जो इन कंपाउंड्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स. अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो कार्बन चेन है ना, इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये फुल चेन लिखने के बजाय हम इसको सिंपली आर भी लिख सकते हैं. जैसा कि मैं इसको आर एच लिख सकती हूँ, इसको आर सी एल लिखा जा सकता है, जबकि इसको आर ओ एच. तो ये आर कार्बन का कोई भी नंबर हो सकता है, सिंगल कार्बन भी हो सकता है, दो तीन और सो ऑन. जैसे मैंने ये नेम लिखे हुए हैं ना, आपने इसी तरतीब से नेम्स लिख लेने हैं. तो फंक्शनल ग्रुप्स को ना हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं. आपने यहाँ पे पहले आर आर लिखते जाना, सब के लिए आपने आर लिख लेना. क्लियर. अब ये अल्केन, अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड इज फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्केन. तो आपने यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिखते हैं. सिमिलरली अल्केन के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, और अल्काइन के लिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप. अल्काइन हैलाइड के लिए आपने लिख देना है एक्स. एक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को. ठीक है, हेलो ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, तो आपने यहाँ पे एक्स लिख देना. फिर आपने अल्कोहल के लिए ओ एच लिख देना, अमीन के लिए आर एन एच टू, एन एच टू इज द फंक्शनल ग्रुप, अमीन ग्रुप इसको कहते हैं, और इथर के लिए आपने आर ओ आर लिख देना. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखा, आर आर लिखा, और फिर इनके इन फंक्शनल ग्रुप्स लगा दिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक्स ओ एच एन एच टू एंड ओ. क्लियर. अब इनके नेम भी लिख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर अल्काइल हैलाइड के लिए हेलो ग्रुप, फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इमाइनो ग्रुप, और फिर आपने इथर ग्रुप लिख देना. क्लियर. आर है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक अल्काइल ग्रुप को. सही है. सपोज हम यहाँ पे सी एच थ्री ले लेते हैं आर की जगह पे, तो एग्जांपल्स आप इस तरह से लिख सकते हैं, आर की जगह पे आप सी एच थ्री लगाते जाएं, सी एच थ्री, यहाँ पे सारे आपने अल्काइल ग्रुप लगा देने हैं. ठीक है, मिथाइल यानी कि आपने मिथाइल ग्रुप लगा देने आर की जगह. फिर ये जो उनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं एज इट इज फंक्शनल ग्रुप लिख लें. क्लियर. और इसके बाद फिर हमें इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे. कोई आपको इनके नेम्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वहाँ पे आर की जगह पे हमने अगेन सी एच थ्री ग्रुप लिख दिया. ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, और इस तरह से आपकी एग्जाम्पल्स भी रेडी होगी और फंक्शनल ग्रुप्स भी रेडी होगी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब ये जो कंपाउंड्स हैं, क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं, इनके लिए भी आपने आर आर लिखना है. थायोल ग्रुप है, तो थायोल कहते हैं एस एच बॉन्ड को, इसको कहते हैं एस एच बॉन्ड को, तो आर के साथ हमने एस एच लगा देना. फिर नाइट्रो कंपाउंड्स, इट्स मीन इसने
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, तो आर एन ओ टू आ जाएगा। इस तरह से एमीन, अमीन जो हमने पीछे एमाइनो ग्रुप पढ़ा है वो था एन एच टू का अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड, लेकिन इमीन होता है सी डबल बॉन्ड एन बॉन्ड, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड एन बॉन्ड को हम इमीनो ग्रुप कहते हैं, आई वाला इमीन, क्लियर। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ आ जाएगा सी डबल बॉन्ड एन एच, क्लियर। और फिर अल्काइल साइनाइड होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन एस एच फंक्शन ग्रुप, इसको इसका नेम है मरकैप्टो, मरकैप्टो, क्लियर। एन ओ टू का नेम है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, और इसका नेम है इमीनो ग्रुप। सी ट्रिपल बॉन्ड एन को कहते हैं सियानो ग्रुप, ठीक है, सियानो ग्रुप। और फॉर्माइल ग्रुप के केस में आपने यहाँ पे आर के साथ सी डबल बॉन्ड ओ लगाते जाए, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा, इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इनकी एग्जांपल सीख लेते हैं। तो अगेन हम अल्काइल आर की जगह पे हम क्या लगा देंगे, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप मिथाइल भी इसमें लगाएं, आप कोई और ग्रुप भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम सियानो के केस में इसको चेंज कर लेते हैं, सी एच थ्री सी एच टू भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी लेंथ जो है कार्बन की हो सकती है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए आर को अल्काइल आर को मिथाइल ग्रुप में रखा है। अब ये जो नेक्स्ट सीरीज है ना फॉर्माइल ग्रुप से ऑनवर्ड, यहाँ पे आपने पहले हमें आर आर रखा है, अब हम क्या लिखेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ। नेक्स्ट हम इन कंपाउंड्स के लिए सब के लिए क्या लिखेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसके लिए भी आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा हुआ है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ यहाँ पे अगेन आर लगा हुआ है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये ग्रुप होगा कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप, ठीक है, और इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। और आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लियर, कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सिमिलरली अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ हम यहाँ पे एक्स लगा देंगे, जैसे हमने आर के साथ एक्स लगाया था तो ये हैलाइड बने थे, बट अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ हम एक्स लगा देंगे तो ये एसिड हैलाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिड हैलाइड, क्लियर। सिमिलरली अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ हम एन एच टू लगाएंगे, जैसा कि हमने आर एन एच टू लिखा था तो हमने कहा कि ये एमाइनो ग्रुप है, बट अगर हम आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एन एच टू लगाएंगे तो इट्स एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, क्लियर। इसी तरह से जैसे हमने आर ओ आर लिखा था तो हमने कहा ये ईथर है, बट अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ हम ओ आर लगाएंगे, क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा एस्टर ग्रुप। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, आर की जगह पे मिथाइल ग्रुप हम ले रहे हैं, इसी तरह से यहाँ भी आर की जगह पे मिथाइल ग्रुप और एक्स, ठीक है, और यहाँ पे भी सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, सही है। तो इस तरह से मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को हम चंद ग्रुप्स में डिवाइड करके इजीली स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स।